बाद फिर आप मन के स्वागत है बर्थन खबर मंडहर। रायपुर में वन बंधु परिषद महिला समिति द्वारा 21 और 22 अक्टूबर के समता कॉलोनी स्थित खाटू श्याम मंदिर परिसर में 2 दिवसीय एकल एक्सपो के आयोजन किए जाते। एक्सपो के उद्घाटन उप मुख्यमंत्री अरुण साव के धर्मपत्नी मीना साव के द्वारा किए गए। इस अवसर में प्रदेश मीडिया प्रभारी कविता राठी, अध्यक्ष कांता सिंघानिया समेत अन्य उपस्थित रही। वह कविता राठी यहाँ बताई है कि एक्सपो के उद्घाटन मीना अरुण साव के द्वारा पोस्टर विमोचन करके किए गए। सबसे पहले तो वन बंधु महिला समिति की दीदियों को बहुत बहुत बधाई, और इन्होंने जो स्वावलंबी महिलाओं के लिए एक्सपो का जो किया है, और लघु उद्योग महिलाएं जो भी है ना जी, उनके लिए प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और उनको आर्थिक रूप से जो मजबूत बना रही है, तो दीदी को, सब दीदियों को बहुत बहुत बधाई। और इस कार्य में महिलाएं मजबूत होंगी तो परिवार मजबूत होगा। एक्सपो में अभी तो आधे चीज देखी, सारे चीज है। वन बंधु संस्था वाले हैं हम, महिला समिति। हमने ये 2 दिन का एक्सपो रखा हुआ है। यहाँ पर सभी स्वावलंबी महिलाओं के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म रखा है, जो उनकी जो यहाँ पर कर रहे हैं, और इसके जो भी बेनिफिट होगा वो हम स्कूल बच्चों की स्कूल की पढ़ाई के लिए देंगे। ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसमें यहाँ सभी सामान है, घर डेकोरेट के हैं, क्लॉथ है और फैंसी सामान है, दीपक है, कैंडल है, हर चीज यहाँ पर, एसेसरी है, ज्वेलरी है, सभी चीज यहाँ पर है, जो एक से बढ़कर एक स्टॉल है, और सभी बहुत ही अच्छे से लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, और उनकी बिक्री हो, यही हमारी मनोकामना है। धन्यवाद। ये जो एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे तैयार किया गया है, एकल जो बच्चों के लिए तो कर ही रहा है शिक्षा का काम, महिलाओं को भी आगे लाने का काम कर रहा है। जो मतलब घर से होममेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उनको एक मंच दे रहे हैं। प्रोडक्ट तो बना लेंगे लेकिन वो सेल कहाँ करेंगे, तो इसलिए उनको इस चीज में आगे लाने के लिए एक मंच तैयार किया गया है, जहाँ पर बहुत सारे जो है घरेलू महिलाएं हैं और जो आगे बढ़ रही है। और हर हमारा ये सेकेंड एग्जीबिशन है और इसमें हर बार जो है नए नए लोग आगे आ रहे हैं, तो इससे महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक हर स्थिति वो हो रही है। और जैसा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ने कहा है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर स्थिति में महिलाएं जो है मजबूत हो रही हैं, और 90% महिलाएं हैं जो स्टॉल लगा रही है, खरीदी करने आ रही है, और जो ऑर्गेनाइज कर रही है, सब महिलाओं से ही वो है। तो आज देखा जाए तो महिलाएं महिलाओं को आगे बढ़ा रही है।